आज का व्लॉग मैं यहीं से सैलून से शूट कर रही हूँ और जो कुछ भी हुआ हमारी रूटीन में अभी जो भी होगी तो आप सबके साथ शेयर करने की पूरी कोशिश करूँगी। स्टार्ट इसलिए अभी किया है क्योंकि आज मुझे जैसे कि सऊदी अरब में स्कूल्स की छुट्टियाँ चल रही हैं और आज कस्टमर ज़्यादा थे तो 12 बजे मैं पहुँच गई थी सैलून, इसलिए घर की कोई रूटीन कुछ भी नहीं मैं कर पाई, ना कोई बच्चों के साथ कुछ भी नहीं, तो बस अभी से शुरू कर रही हूँ और घर पे जो भी रूटीन होगी आप सबके साथ शेयर करने की पूरी कोशिश करूँगी इंशाल्लाह। तो इसी के साथ हमारे आज के व्लॉग को स्टार्ट करते हैं और अल्लाह पाक से दुआ हूँ कि अल्लाह पाक आप सबको खुश रखे और हम सबकी ज़िंदगी में आसानियाँ ही आसानियाँ हों, आमीन या रब। मैं घर पहुंच गई हूं, बस जाके देखती हूं कि क्या कर रहे हैं बच्चे और खाने में आज क्या बनाना है हमने। आप भी जाओ, मैं कब से वेट कर रही हूं दोनों का। सारा सामान उठा रही है। कुक्कू को देखा है कैसे बैठ के देख रहा है वहां से। कुक्कू बाय बाय। कुक्कू बाय कुक्कू। मम्मा मैं आपको एक कुक्कू की आदत बताऊं? हां, कुक्कू के सर पे हाथ रखो ना तो वो नहीं काटता, उसे मजा आता है ना। हाँ। कहते हैं कि मेरे सर में मसाज कर रहा है कोई। हाँ। अब फिर से अबाया पहन लिया आपने। हाँ। चलें, वो आ रहा है नीचे, आ रहा है कुकु, देखो उसको लग रहा है बस हम बाहर गए, उसको पता लग गया। मन्ना पानी उठाया कि नहीं? अभी देने जा रही है। बैठ जाओ मुस्तफा, लो के हानिया, लो के छोड़ दो। अभी हम घर से निकल चुके हैं और सब्जी मंडी की तरफ जा रहे हैं क्योंकि मैं जैसे ही घर गई हूँ तो बच्चों ने कुछ प्लान किया हुआ था कि सबसे पहले हम आ गए हैं सब्जी मंडी और यहाँ से लेने हैं कोयले और कॉर्न लेने हैं। और मेरे हस्बैंड यहाँ पे कॉर्न लेकर आ भी गए हैं, दिखाएं। ये फ्रेश है? हाँ, फ्रेश ही है। लग तो रहे हैं कि फ्रेश है लेकिन येलो येलो भी लग रहे हैं कहीं, पता नहीं। येलो वो होते हैं जो पके होते हैं। हाँ, लग रहे हैं, ये सही है, फ्रेश है, बस ठीक है। कॉर्न ले लिया, अब और क्या रह गया? बाकी कोयले रह गए हैं, कोयले लेने और दूध। सब्जी मंडी से निकलने के बाद यहाँ पे अभी हम सुपर मार्केट आ गए हैं। मौसम ही ऐसा बना हुआ है ना कि अब ये कोयले इतनी मुश्किल से मिल रहे हैं, दो तीन जगहों से पहले हमने पता किया वहाँ पे नहीं मिले, तो ये भी अभी आके रुके हैं, पता नहीं अब यहाँ पे भी मिलते हैं या नहीं मिलते या फिर कहीं और घूमना पड़ेगा। शुक्र है यहाँ से मिल गए। मैं अभी कह रही थी पता नहीं यहाँ से भी मिलते हैं कि नहीं मिलते, दो तीन जगहों से चेक कर लिया लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मिल गए हैं यहाँ से। अभी पार्क में हमारी एंट्री हो गई है, बस आगे जा रहे हैं। रश बहुत ज्यादा लग रहा है ना? मम्मा मैच लगा हुआ है। अच्छा, फुटबॉल का मैच है इसलिए रश बहुत ज्यादा लगा हुआ है। इस बार तो बहुत ही ज्यादा इंटरटेनमेंट लग रही है, यहाँ से ही नजर आ रहा है माशाल्लाह। मुस्तफा के कभी भी जूते ठीक नहीं होते, अंदर बाहर इसका यही काम होता है। हानिया ने क्या उठाया हुआ है? दूध और रोटी। क्या हुआ, मूड क्यों खराब है आपका? हाँ बताओ क्या हुआ? जाना था, इधर नहीं आना था, कहीं और जाना था, ममशा जाना था। सामान सबने उठा लिया और हम जा रहे हैं इधर आगे की तरफ, जाके कोई जगह देखते हैं। अच्छा, जब भी मैं यहाँ पे आ जाऊँ ना, यहाँ की कैट मुझे इतनी प्यारी लगती है माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत होती है। यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट कलर्स में मिलती हैं यहाँ पे। ये पार्क में बहुत ज़्यादा लोग आते हैं, यहाँ पे इनको खाना डालते हैं तो बहुत ज़्यादा होती हैं पार्क में। यहीं पर बैठ रहे हैं। अच्छा, जैसे ही मैं घर गई हूँ ना तो बच्चों ने प्लान किया हुआ था क्योंकि जब से बारिश हुई है मुझे ये सब कह रहे थे कि हम बाहर चलें, मौसम इतना अच्छा बना हुआ है, बस मुझे ही टाइम नहीं मिल रहा था। जैसा कि मैंने आप सबको बताया कि स्कूल्स की छुट्टियाँ हो चुकी हैं सऊदी अरब में और उस वजह से सैलून पर भी ज़्यादा रश है। तो खैर, अब जैसे ही मैं गई हूँ तो उन्होंने पहले से घर में तैयारी की हुई थी और अभी हम यहाँ पर आ गए हैं, बस कोयले जल रहे हैं यहाँ पर। जैसे ही कोयले जल जाते हैं तो हमने अभी कॉर्न भी बनाने हैं यहाँ पर, चाय भी यहीं पर बनाएंगे और बैठेंगे, बच्चे खेलेंगे और एंजॉय करेंगे। मौसम बहुत ही ज़बरदस्त बना हुआ है बारिश के बाद, बहुत अच्छा लग रहा है, ठंडा ठंडा मौसम है और काफ़ी फैमिलीज यहाँ पर आई हैं, बहुत रश लगा हुआ है पार्क में माशाल्लाह। कहा और हाना ने आते ही अबाया उतार दिया है, तो अबाया पहनने का फ़ायदा, आप क्यों पहन के आए थे? मैंने कहा था ना नहीं पहन के चलो। मुस्तफा आ जाओ आप, बिल्लियाँ भी आ ही गई हैं हमारे पास। तो जब तक हमारा दस्तरखान लगता है और हम खाना खाते हैं तो कोयले भी जल जाएंगे, फिर हम कॉर्न भी खाएंगे यहाँ पर और चाय भी बनाएंगे और इस मौसम को अच्छी तरह से एंजॉय करेंगे। चाहिए पानी? आप भी आपने करनी है आपने हैंड वॉश? और आपने? मेरे पापा। अच्छा, खाना आज के खाना हमारा क्या है? खाना ये है जो रात मैंने दाल बनाई थी ना, वही गरम करके बच्चे लेकर आए। मैंने कहा था कि खाना भी बनाना है लेकिन उन्होंने कहा नहीं हम बाहर चलते हैं, बस रात जो मैंने दाल बनाई थी वो पड़ी हुई थी तो वही गरम करके ले आई है हॉट पॉट में। रात जो हमने खाना खाया था दाल, आज रात की दाल ही हम खा रहे हैं।
क्योंकि मैंने अभी जाके घर पे कुछ बनाना था, लेकिन इन्होंने कहा नहीं हमें बाहर जाना है, बस अब वो दाल थी घर पे तो वही गर्म करके ले आए, बस अब ये खा रहे हैं। और उसके बाद जो फिर है इनका जो मेन जो चीज़ थी, इन्होंने बच्चों ने कॉर्न खाने थे तो वो बस अभी हम उसके बाद खाने के बाद फिर स्टार्ट करते हैं। छोटी सी बॉल में डाल देते हैं हानिया की तरह, ये छोटी है ना बॉल, इसलिए हानिया को इसमें चाहिए। खाना सबने खा लिया अल्हम्दुलिल्लाह, और हानिया चली गई खेलने के लिए। मुस्तफा भी कह रहा है मुझे भी जाना है, तो मैं नहीं कह रही हूँ कि थोड़ी देर के बाद जाना। और यहाँ पे इतनी ज़्यादा आवाज़ें आ रही है ना, क्योंकि आज सऊदी अरब का मैच हो रहा है, तो मैंने किसके साथ हो रहा है, अर्जेंटीना के साथ सऊदी अरब का मैच हो रहा है, और यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा रश लगा हुआ है। मम्मा भी थी, एक गोल हुआ है ना, वो लोग इतना चीख रहे हैं और इतना यहाँ पे शोर आ रहा है बहुत ज़्यादा। तो मैं कह रही हूँ कि अभी यहाँ से हम कॉर्न बना के चाय पी के तो थोड़ी देर के बाद जाएंगे हम वहाँ पे देखने के लिए, कि रश भी बहुत ज़्यादा लगा है वहाँ पे और इतना इंटरटेनमेंट है वहाँ पे बहुत ज़्यादा। 5 या 10 क्या करनी है, 5 और 10 साइकिलिंग करनी है। हाँ से मैंने कुछ खरीदना है, कुछ क्या खरीदना है पहले मुझे बताओ आप क्या खरीदोगी, फिर उसके बाद मैं दूंगी आपको। मैंने ये लो, ये उधर डस्टबिन में डाल के आ जाओ। किधर है? उस साइड पे, वहाँ पे पीछे जाओ। मैं ना यहाँ पे अपने लिए कॉर्न उठा लिए, ये मैंने उठाई है अपने लिए, मैं इसे साफ करती हूँ। खाने आप भी उठा लो अपने लिए, ये लो आप। और तो हमने यहाँ पे साफ करना शुरू कर दिया, इनकी सफाई हम कर रहे हैं, लेकिन अभी तक जो हमारे कोयले हैं ना वो तैयार नहीं हुए, वो रेडी नहीं हुए। अच्छा, इसके जो नीचे से ये पकड़ने वाली एक छोटी सी एक डंडी होती है ना, मैं उसको तोड़ना नहीं चाहती थी, लेकिन टूट गई है। हानिया की भी टूट गई है, हानिया को तोड़ने नहीं आता ना, हानिया को भी तोड़ने नहीं आता मेरी तरह। मोना ने देखें कैसे अच्छे तरीके से किया और इसको टूटने भी नहीं दिया, और ये कितना फ्रेश लग रहा है, बिल्कुल इसके दाने देखें बिल्कुल फुल है माशाल्लाह। जब हम छोटे थे ना तो मेरे नाना अब अपने खेतों में मकई उगाते थे, तो वहाँ से जाके हम तोड़ते थे, तो मैं कहती थी ये इनके बाल हैं, ये इनकी चुटियाँ हैं। तो अभी ये देखिए मैं इनको देख रही हूँ तो मुझे याद आ गया मेरे नाना अबू की, अल्लाह पाक उनकी मफ़रत फरमाए और उन्हें जन्नत में आला मकाम दे, बहुत ज़्यादा प्यार करते थे मुझसे, और आज मुझे उनकी याद भी आ गई है बस ऐसे बैठे बैठे। और ये भी उनके प्यार की भी याद आ गई, इतना प्यार मुझसे करते थे, बहुत ज़्यादा करते थे। पापा ये मेरा वाला, ये पूरे हो जाएंगे, मुझे तो लगता है ये थोड़े नहीं बन पाएंगे इनके ऊपर, बहुत सारे हैं। आप छोड़ दो, आपका हाथ ना जल जाए कहीं, हट जाओ यहाँ से। वो सब ये कचरा आप फेंक करो, पहले हानिया गई है उधर, वहाँ पे सामने उधर डस्टबिन है, ठीक है, वो फेंक के अभी आप फेंक के, एक मिनट सारा डाल लें अभी। तो वहाँ पे बैठ के क्या कर रहे हो, वेट कर रहे हो कॉर्न का? हाँ, कहाँ जाओगे, ले खेलने नहीं जाना, आ जाओ इधर आके बैठो, फिर साथ बनवा लो, आ जाओ ना, देखो कैसे बन रहा है, ताकि नेक्स्ट टाइम जब हम आएंगे ना फिर आपने बनाने हैं, सही है? कैसे बनाओगे? बहुत अच्छे बनाऊंगा। बहुत अच्छे बनाओगे, कच्चे कच्चे सबको खिला दोगे उठा के, है ना? सारे बोलेंगे बहुत यम्मी है। नहीं बोलेंगे, अगर आपने अच्छे नहीं बनाए होंगे तो हम नहीं बोलेंगे कि यम्मी है। ये तो जल गए हैं, आगे वाली साइड से वो वाले दोनों जल रहे हैं, बस ये वाला बन गया। हाँ ये ठीक है, और इनकी खुशबू इतनी अच्छी आ रही है माशाल्लाह। दो कॉर्न जो है ना वो तैयार हो गए हैं, और मैंने यहाँ पे लेमन निकाल लिया और नाइफ भी, और अभी इनको जो है ना मसाला लगाते हैं, नमक और मिर्च, और बाकी अभी रहते हैं एक दो नहीं बने। कौन खाएगा पहले, ये जो दो बन गए? पहले तो मना नहीं खाना है मोना, आपने? मेरा मूड नहीं है। मुस्तफ़ा आपने नहीं, तो किसके मूड से हम पार्क आए हैं यहाँ पे ये कॉर्न खाने के लिए, और अभी कह रहे हैं मूड नहीं है। हाँ, चेंज हो गया। अभी तो ये खाने ही पड़ेंगे, ये बन गए, ये खा के फिर जाओ और फिर जाके देखो क्या करना है, फिर साइकिलिंग करनी है क्या करनी है। ऐसे लेमन लगा के दूँ आपको या ये मसाला लगा के दूँ, क्या चाहिए जल्दी से बताओ? मिर्ची वाला मसाला है। हाँ मिर्ची वाला मसाला है, मिर्ची और वो है नमक है इसमें, बस सिर्फ लेमन लगा के दूँ सबसे पहले? बस मैं हानिया को दे रही हूँ लेमन लगा के, ये लो खाओ। ये रहा मोना का, मोना याद है आपको, ये आपका अभी तक भी अंदर से धुएं निकल रहे हैं। हाँ निकल रहे हैं, हानिया का ठंडा हो गया, मैंने देखा है अभी। मोना को ना मैं मसाला लगा के दे रही हूँ, क्योंकि इसे तो वाकई चटपटा खाना है ना, है ना? हाँ हानिया के तो दांत भी नहीं है, हानिया कैसे खाएगी? अच्छा लग रहा है हानिया, ई करो मुंह खोलो एक दफा अपना। आप बताओ लेमन चाहिए या आपको ये मसाला भी चाहिए? मसाला भी लेमन केचप वाला खाओगी?
केचप तो नहीं है। खा के जल्दी से जाओ और फिर जाके खेल लो। धुआं निकल रहा है इसमें से, नजर आ रहा है? इतना नहीं निकल रहा, मुझे तो नजर आ रहा है यहाँ से। पकड़ो अपना, हानिया अपना फेस दिखाओ। हानिया का सारा फेस देखो तो पता कैसे हो गया। और तो मुझे चैलेंज दिया है। और मैं कह रही थी कि इसके दांत नहीं है, पता नहीं ये कैसे खा पाएगी। मम्मा तमन्ना को देखी, तमन्ना का भी मेरा भी होगा, मेरा लग रहा है नहीं, नहीं है मेरा फेस खराब होगा, ऐसे ब्लैक ब्लैक हो रहा है। मोहन मैंने तो चॉकलेट आइस मोका लेना है, तुम क्या ले रही हो? पता नहीं, देखते हैं। इसको बोलो दो लेने हैं चॉकलेट वाले। हाँ ये कैसे चलती है? इसके अंदर एक सिक्के वाला रियाल डलता है, बस सिक्के वाला, फिर आपको घुमाना होता है नीचे, इधर से घूमकर नीचे बनती आती है, नीचे आती है। हाँ। चलो करके देखते हैं, यहाँ पे ना। हाँ। घुमाओ, सीधा डालो, सीधा तो है। सॉरी सॉरी सॉरी, की बबल मोहन ये देखो, देखिए इतनी बड़ी बबल कभी। हाँ देखिए, इतना टाइम लगेगा पता नहीं, देखते हैं। चलो अब आ जाओ, कहाँ जा रही हो? इधर आ जाओ। मोहन कहाँ पे बैठे? ये जगह देखिए जो हम ढूंढी है, सारी गंदी भी है। चलो वापस चलते हैं जहाँ मम्मा पापा बैठे हुए हैं। हानिया पीछे देखो, वो झूले वहाँ पे खाली, आप भाग के वहाँ पे चले जाओ वरना कोई और आ जाएगा। वापस चले या यहीं पे कुछ देर बैठे फिर मैंने झूले खाने, फिर हम चलेंगे। हानिया ने पता है मोहन क्या लिया है? पूछा इसने क्या लिया? हानिया ने गंदी सी स्लाइम ली है। ये रहा मुस्तफा, एकदम से आया है। ये देखो मैंने क्या लिया। क्यों दू मुझे दी थी। अब तुम दोनों ना लड़ लो। कहते मुझे तो नहीं। चलो बस करो, बस मुस्तफा खेलना तो जल्दी खेलो, फिर हम लोग चलते हैं। चले चलो चले मम्मा के पास, चल टीवी चलाएंगे। हाँ मूवी देखेंगे हम लोग, जो कल देख रहे थे ना, नॉट डेड वाली, वो वाली। हाँ आ जाओ, हम लोग जा रहे हैं। आज तो मैच है, मैच देखना है। क्या हुआ? कुछ नहीं। तो हानिया जल्दी चलो। ये वही येलो फ्लावर है जो पिछली बार आपने तोड़ने थे। नहीं कोई जरूरत नहीं है, चलो मुस्तफा कर पाओगे? आगे आओ, आगे भी तो आना है ना। चलो आगे आओ, नहीं होता। वो जो वहाँ पे बैलून्स आपको दिख रहे हैं लाइट वाले, मैं आपको पैसे देती हूँ, आप वो जाओ लेके आओ, ठीक है? हानिया जल्दी जाओ। मुस्तफा कैसा लगा? 10 में से कितने दोगे इसको? 9.5। क्यों पूरे 10 क्यों नहीं दोगे? क्योंकि इससे भी अच्छी चीज है। हानिया मिल गया, लाओ। इसको फिलहाल बंद कर दो, यहाँ से होगा बंद। कहाँ से? ये तो मुझे पता है कहाँ से बंद होता है। इसकी लाइट जा रही है, इसको बंद कर दो। ठीक है लाओ, कर दो। हानिया इसकी लाइट देखो कितनी अच्छी है, ये ना ऐसी रुकी रहती है। नहीं अगर इसकी लाइट चली जाए तो हम इसका सेल भी चेंज कर सकते हैं यहाँ से। कर सकते कहाँ से? यहाँ से है ना, ये वाली जगह, यहाँ से हम इसका सेल चेंज कर सकते हैं। लेकिन हानिया ऐसी नहीं कि इसकी लाइट उखाड़ने छोड़ेगी नहीं। हानिया देखो मोहन यहाँ पे अकेले बैठ के पी रही है ताकि कोई भी इसे छीन ना पाए। देख रहे हो मुस्तफा, चलो इसके पास चलते हैं। ये देखो मैंने क्या लिया, क्या लेके आई हो आप? दिखाओ मुझे, आप गैस करें। मुझे नहीं पता, आप दिखाओ, दिखाओ मम्मा को। लेके आई है आप ही, क्यों बताया? और तमन्ना क्या लेकर आई है? ये देखे तमन्ना तो छोटी बच्ची है ना सबसे, है ना। हानिया ये क्या है? ये तो बिल्कुल हानिया की तरह क्यूट है, और हानिया की तरह मोटा भी है। मेरा येलो फेवरेट कलर है। अच्छा मोना ने और मुस्तफा ने चॉकलेट कॉफी ली है और तमन्ना, हाँ और मोना ही। हानिया सबसे प्यारा पता है मुझे किसका लगा है? हानिया का बहुत क्यूट है, देखो येलो और ऑरेंज मेरा फेवरेट कलर है, तो मैं ऑरेंज नहीं था तो मैंने येलो ले लिया। अच्छा ठीक है, इसे पैसे वेस्ट कर दे, ये कोई खाने की चीज लेती, मैंने इसे कहा अब सामान उठाएं, चले अब सामान उठाएं, जल्दी करें अब चले। मम्मा चाय नहीं बनानी? नहीं। क्यों? क्योंकि मैंने आपके पापा को कहा कि बस चले, अब मैं बहुत थकी हुई हूँ। चाय मम्मा फार्म हाउस चलकर बनाएंगे। हाँ कभी जाएंगे फिर वहीं पे, या कभी इधर पार्क आके बनाएंगे। अभी मैंने कहा अभी चलते हैं, फिर चाय बनेगी फिर लेट हो जाएंगे ना, मैं थकी हुई हूँ। ये छोटा सा सिलेंडर लेकर भी आए हैं और चाय नहीं बनी इसके ऊपर, छोटा सा है क्यूट सा। अच्छा ये ना मुझे काफ़ी पसंद आया है, फर में भी आप इसे कहीं आराम से लेके जा सकते हैं, ना ज़्यादा ये हैवी है
और ना ही ज़्यादा बड़ा है, इजी से आराम से आप इसे लेके जा सकते हैं। बच्चे सारा सामान लेकर चले गए और देखिए मैंने क्या उठाया हुआ है हाथ में, सिर्फ मैं ये उठा के आई हूँ बस। बैठो अब गाड़ी में, पहले मोना बैठे, मोना वहाँ जा रही है, बुलाओ उसे, क्या करने जा रही है वहाँ पे पता नहीं। यहाँ पे ना वो रश लगा हुआ था जहाँ पे मैच चल रहा था, तो मैंने कहा जब वापसी पे आप सबको दिखाएंगे, इतना यहाँ पे हल्ला गुल्ला और हंगामा हो रहा था, लेकिन अभी पता चला है कि सऊदी अरब जो है ना वो मैच हार गए। तो देखिए अभी बिल्कुल खामोशी और सन्नाटा लग रहा है यहाँ पे, जब हम आए थे यहाँ से इतना यहाँ पे शोर था और इतना रश था बहुत ज़्यादा। पार्क से अभी हम निकल चुके हैं और घर जा रहे हैं और सबने बहुत इन्जॉय किए। हानिया आपने इन्जॉय किए, मुस्तफ़ा आपने, मासूम सा चेहरा क्यों बनाया हुआ ऐसे, क्यूट सा, मेरा गला बैठ गया, मैंने वो मौका पीना। अच्छा इस वजह से तो क्यों पिया ठंडा, इतनी इतनी ठंडा था, मुझे पता नहीं था इतना ठंडा है। अच्छा ठीक है, तितली। मुस्तफा है मेरा एक प्यारा सा डोरेमोन। ये थोड़ी ना गंदी आवाज में गा रहा था। पहले ये दोनों सुनाएंगे फिर हम दोनों सुनाएंगे। ओके ओके। नहीं नहीं की चट्टी धूम मचाने सामने कोई छोटा आप दोनों की बारी है। भीम की चट्टी सामने कोई पाए छोटा भीम भीम भीम। बस 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 बहुत हो गया हल्ला गुल्ला, बस अब हम घर भी पहुंचने वाले हैं। तमन्ना की बारी है। नहीं नहीं अब आपकी मम्मा की बारी है। हाँ अब मेरी बारी है। अभी मुझे चाय कौन बना के देगा? मम्मा अगर वो कहवे वाली है तो मैं बना देती हूँ। वो देने वाली दूध वाली तो मैं बना देती। मुझे दूध वाली पीनी है, तमन्ना बना के देगी वो तो भी तमन्ना, क्योंकि वहाँ पे नहीं पीना पार्क में हमने चाय, इसलिए मजा आया सबको, बहुत बहुत एंजॉय किया हमने, मुझे भी बहुत मजा आया। आप तो बस अपने नाना अबू को याद करते हैं। हाँ आज बाकी ना मेरे नाना अबू मुझे बहुत याद आ रहे थे और बार बार तमन्ना मुझे कह रही थी कि क्यों, तमन्ना पता है आपको बहुत ज्यादा मेरी अटैचमेंट थी नाना अबू से, बहुत ही ज्यादा मुझे प्यार था आपके, तो आपने तो नहीं ज्यादा वो टाइम गुजारा ना अपने नाना अबू के साथ। मैं 5 साल की जब थी मुझे तब थोड़ा थोड़ा याद है। मुस्तफा ने बिल्कुल देखा ही नहीं है मेरे अब्बू को, है ना, तब पैदा हुआ था ना। मुस्तफा ने मेरे अब्बू को नहीं देखा, हानिया ने नहीं देखा अब्बू को या नाना अब्बू को, नहीं मेरे अब्बू को, मेरे अब्बू को, तो मुस्तफा यासीन को। हाँ मैं अपने नाना अब्बू की बात कर रही हूँ ना, कि मेरे उनके साथ बहुत ज्यादा अटैचमेंट थी क्योंकि मैंने उन्हें देखा है ना, तो आप तो छोटे छोटे थे जब मेरे नाना अबू फौत हुए। मुझे भी थोड़ा थोड़ा याद है क्योंकि तमन्ना बड़ी थी। नहीं हाँ क्योंकि अब्बू मेरे अब्बू जो मेरे अब्बू हैं जो आपके नाना अबू हैं वो मेरे नाना अबू से पहले फौत हो गए थे। हाँ जो आपके नाना अबू हैं, हाँ जब मैं 2 साल की थी नाना अबू तब फौत हुए थे और जो आपके नाना थे जब मैं 6 साल की थी वो तब फौत, हाँ वो तब फौत हो गए थे। खैर अल्लाह पाक उनकी मगफरत फरमाए इंशाल्लाह, आमीन या रब। अच्छा अभी व्लॉग करना आप सब कर दो मिलके, मुस्तफा हाँ इतना टाइम हो गया हमने नहीं किया। हाँ आज आप कर दो सारे मिलके व्लॉग एंड कर दो। ये पहले मैं कर देती हूँ। नहीं सब सारे मिलके कर दो एक साथ मेरी, चलो एक तो बोलना नहीं आता कुछ तो बोलो। उम्मीद है कि आप लोगों को आज का व्लॉग पसंद आएगा, उम्मीद है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज बाय। अब रिपीट बोलो, रिपीट बोलो, खानी आप भी बोलो साथ में बोलो अल्लाह हाफिज। उम्मीद है कि आपको हमारा ये व्लॉग बहुत अच्छा लगा होगा और अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर करें और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज और आप हमें अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज बाय बाय।